हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिकेट माय वे। जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें ये सीखा था कि स्पिनर्स कैसे विकेट लेते हैं बिना ज़्यादा रन दिए टेस्ट मैच में, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि पेसर्स यॉर्कर्स के साथ कैसे विकेट लेते हैं, सिर्फ यॉर्कर्स के साथ। तो ये हमने पाकिस्तान टीम सेलेक्ट की, ऑपोजिशन उनकी बैटिंग है, हमारी बॉलिंग है। तो इसमें हमारा जो फेवरेट बॉलर है मिस्टर जसप्रीत बुमराह, फिलहाल अभी वो इतना अच्छा नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम उन्हीं को लेंगे, तो उनको लेके स्टार्ट करते हैं। ये है पहली बॉल, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट बॉल। और उसकी पहले हम जो फील्डिंग है वो सेट कर लेते हैं क्योंकि फील्डिंग सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें ऐसी फील्डिंग सेट करनी है कि जहाँ पे हमारे विकेट्स भी आएँ और हमारे रन भी ना जाएँ। तो पहले हम ये फील्डर्स सेट कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, बाउंड्री लाइन के ऊपर भी नहीं और जो इनर सर्कल है उसके भी थोड़ा सा बाहर। तो जो 30 यार्ड सर्कल है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है हमको और बाउंड्री के ज़्यादा नज़दीक नहीं, ताकि वो सिंगल भी ना ले सके और बाउंड्रीज भी हमारी बच जाएँ। तो ये तीन फील्डर हमने बाहर लगा दिए हैं और ये जो हमारा थर्ड मैन का फील्डर है उसे भी हम लेग साइड में खींच के अंदर लाएंगे, उसे हम खड़ा करेंगे मिड विकेट जो कि है यहाँ पर। इसको सर्कल के अंदर ही रखना है क्योंकि ऑलरेडी तीन फील्डर बाहर हैं लेग साइड में, तो ज़्यादा यॉर्कर्स की जो पिचिंग होती है वो लेग साइड में बैट्समैन ट्राई करता है प्ले करने का। तो ये लॉन्ग ऑन को फील्डर लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच में रख देंगे। तो फील्डिंग सेट हो चुकी है और ये है पहली बॉल इनिंग की। फुल पेस में आउट स्विंग डालेंगे हम और होगी ये यॉर्कर लेंथ। तो इसमें ये जा रहे हैं हमारे बॉलर, ये उन्होंने डाली, बैट्समैन ने डिफेंस किया और ये मिस, और ये लगी पैड्स पे, बॉल थी लेग मिडल पे। और इसमें रिव्यू ये नहीं लेंगे क्योंकि ये प्लम LBW है, तो अपना रिव्यू वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम जाते हैं हमारे रिप्ले में, रिप्ले में आपको स्लो मोशन में दिखाते हैं कि बॉल कहाँ पिच हुई। और जैसे हमने कहा कि आपको बॉल जो है वो लेग मिडल पे रखनी है, ज़्यादा लेग स्टेम पे नहीं जाएगी क्योंकि अगर वो लेग स्टेम के बाहर पिच होती है तो वो आउट नहीं होता है। इवन अगर वो बॉल लग रही है स्टेम को तो आउट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर बॉल लेग स्टेम के बाहर पिच करती है तो वो एज़ पर द रूल क्वालिफाई नहीं होती है LBW के लिए। तो ये देखिए लेग एंड मिडल पे और ये लग रही है मिडल और लेग स्टेम के बीच में। तो ये हमारा पहला विकेट LBW। हमारा सेकंड विकेट सेम बॉल सेम लेंथ सेम पेस के साथ, वहीं पर बॉल है लेग और मिडल में और ये हमारे बॉलर जा रहे हैं और ये मिस। ये क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाके, लेकिन कम्प्लीटली मिस टाइमिंग हो गया और बॉल लगी पैड पे। और अगर ये बॉल पैड पे लगती है, यॉर्कर आपका एकदम परफेक्ट होता है, तो LBW 110% है। तो ये स्लो मोशन में देखते हैं हम, इसमें ये बॉलर जा रहे हैं सेम लेंथ सेम पेस के साथ, डाला उन्होंने, बैट्समैन निकले बाहर ऑफ स्टंप के और ट्राई किया उनको फ्लिक करना और बॉल एकदम मिस और लगी ये पीछे वाले पैर पे और अगेन लेग एंड मिडल में जा रही है बॉल और स्टेम को हिट कर रही है। तो ये है LBW। तो ये हो गया हमारा विकेट नंबर दो। तो दोस्तों, यही लाइन रखनी है हमको, यही लेंथ रखनी है और विकेट ऐसे ही गिरते रहेंगे। ये हमारी तीसरी विकेट सर, इसमें हमें दो ऑप्शन मिले हैं रिवर्स और स्लो के, क्योंकि हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है तो हमें ऑप्शन मिलते हैं। तो हमने रिवर्स स्विंग सेलेक्ट किया है, लेफ्ट साइड देख सकते हैं रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल। तो ये हम पेस सेलेक्ट करेंगे, आप फुल पेस भी रख सकते हो और एकदम स्लो भी रख सकते हो, ये दोनों तरफ काम करती है। लेकिन आपको ये स्विंग आउट स्विंग या एंड स्विंग रखनी है, बीच में नहीं रखनी है, ताकि बॉल थोड़ा स्विंग हो और रिवर्स स्विंग कम्प्लीटली मिस है बैट्समैन के लिए। ये देखिए रिवर्स स्विंग में बैट्समैन को पता ही नहीं चला बॉल कहाँ से निकल गई। तो एक बार वापस देखेंगे स्लो मोशन में, हमने सेलेक्ट किया रिवर्स स्विंग जो हम ऑप्शन मिला था हमें, और उसके बाद हमने सेलेक्ट की जो पेस है बॉल की, जो पेस है बॉल की हम वहीं रखेंगे। और आउट स्विंग सॉरी इन स्विंगर था ये राइट हैंडेड के लिए, तो ये हो गया हमारा इन स्विंगर। तो दोस्तों, इसका जो फंडा है यॉर्कर्स डालने का वो यही है कि आपको जो पेस है वेरी करनी है, और अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है स्लो का और रिवर्स का, स्लो भी आप ट्राई कर सकते हो, स्लो में भी जो जो लो ऑर्डर बैट्समैन हैं, जो बॉलर्स रहते हैं जो लास्ट में बैटिंग करने आते हैं उनके ऊपर वो चलता है, एकदम स्लो बॉल डाल के आप स्विंग भी करवा सकते हो। तो ये देखिए कंप्लीट मैच, बैट्समैन को समझा ही नहीं कि बॉल कहाँ से निकल गई। और ये हो गया हमारा तीसरा विकेट सिर्फ 33 रन पे। तो ये है हमारा चौथा विकेट, देखिए इसमें सेम लेंथ बॉल, आउट स्विंगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेग एंड मिडल पे, लेग स्टंप के बाहर नहीं जाना है आपको जैसे मैंने कहा, और ई एम एस।
ये कुछ पता नहीं चला बैट्समैन को क्या हो गया, कहाँ से निकल गई ये बॉल और LBW। ये एक बार और देखेंगे स्लो मोशन में, पेस फुल पेस आउट स्विंग मिडल लेग पे, और ध्यान रखिएगा लेग स्टम्प के बाहर बॉल नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि अगर एज पर द रूल लेग स्टम्प के बाहर पिच होती है बॉल तो LBW नहीं हो सकता। मिडल एंड लेग पे रखिए कि बॉल जो रेड लाइन दिखाते हैं उसमें मैप में, वो रेड लाइन के ऊपर ही पिच होनी चाहिए। ये बॉल गई, ये बैट्समैन ने पहले खेल दिया और ये कंप्लीट मिस, और यहाँ पे ये LBW। तो जैसे आप देख रहे हो चौथा, ये पांचवा है, अगेन सेम लेंथ सेम बॉल, 33 रन्स पे पांचवा गिरेगा। ये हमारे बैट्समैन जा रहे हैं और ये LBW, प्लम LBW बैट्समैन ने फिर से पहले खेल दिया। तो जैसे हमने कहा इस जो कॉन्सेप्ट है यॉर्कर्स का, आपको टाइम लगेगा विकेट लेने के लिए, लेकिन अगर आप ऐसी फील्डिंग सेट करते हो तो आपको रन्स भी नहीं जाएंगे और विकेट भी मिलेंगे, क्योंकि बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होकर जल्दी या लेट खेल देता है। तो वापस एक बार देख लीजिए, आपको सिर्फ बॉल की जो लाइन है लेंथ है सेम रखनी है, लेकिन जो उसकी पेस है वो वेरी करनी है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी मीडियम, और बैट्समैन को सिर्फ मिस करने पर मजबूर करना है। तो ऐसा शॉट खेल के वो बॉल मिस करते हैं। तो ये देखिए, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, जैसे मैंने कहा था इसके लेग स्टम्प के बाहर बॉल पिच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो नो बॉल नहीं वो LBW के लिए क्वालिफाई नहीं होती है, वो सीधा डिसक्वालीफाई हो जाती है। और ये लेग एंड मिडल पे बॉल जाती हुई, और ये पांचवा विकेट 33 रन्स पे, और ये देखिए लेग एंड मिडल। तो ये हो गया पांचवा विकेट डाउन। तो जैसे आप देख रहे हो 233 पे 5, और ये 33 पे ही 6, 7, 8 भी हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको रन बनाने ही नहीं देंगे। जो फील्डिंग आप देख रहे हो, फील्डिंग लेग साइड में ऐसी ही फील्डिंग रखनी है आपको। तो जो मिड विकेट का वाला बंदा था वो भी मैंने पीछे कर लिया था, क्योंकि लेग साइड में वो बाउंड्री और जो इनर लाइन है उसके बीच में रखनी है हमें फील्डर। तो ये हमारी छठी विकेट की ओर हम बढ़ते हुए, पेस वही रखनी है आउट स्विंगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, और बॉल वहीं मिडल एंड लेग में, और ये हमारे बॉलर जाते हुए, और ये अगेन मिस, सेम बॉल सेम लेंथ सेम शॉट खेला बैट्समैन ने और ये मिस हो गया। तो इसी तरह आपको यहीं पर बॉलिंग रखनी है और ऐसे ही विकेट आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, फील्डिंग लेग साइड में रखनी है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द शॉट लेग साइड ही खेलेंगे। तो ये एक बार और देख लीजिए आप स्लो मोशन में, ये बॉल जाती हुई ये रेड कारपेट के ऊपर ही लगेगी बॉल, क्योंकि ये मिडल लेग स्टंप पे थी, और ये प्लम LBW मिडल और लेग स्टम्प के बीच में बॉल घुसती हुई, 6 विकेट। तो हमने वापस अच्छी बॉलिंग की है, तो हमें ऑप्शन मिल गया है रिवर्स स्विंग का, तो हमने रिवर्स स्विंग सेलेक्ट कर ली है, और इसमें हम जो पेस है वो वेरी करेंगे। तो ये हो गए हैं 33 पे 6 विकेट, और 33 पे ही 7वां विकेट जाएगा। तो ये हमने एकदम स्लो बॉल रखी है कुछ चेंज लाने के लिए, और इसमें जो हमारी है ये है आउट स्विंग लेफ्ट हैंडेड को, ठीक है। तो ये रखेंगे हम मिडिल एंड लेग पे, एकदम स्लो बॉल रिवर्स स्विंग जारी है, और ये देखिए बैट्समैन को समझ ही नहीं आया कि बॉल कहाँ से घुसी और कौन सी स्पीड पे थी, तो उनको खेलने में परेशानी हो गई। तो ये सीधा लगी जाके पैड्स पे, और ये लेंगे रिव्यू, क्योंकि इनको शक है कि शायद से एम्पायर ने गलत डिसीजन दिया, लेग स्टम्प के बाहर बॉल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेक श्योर कि बॉल लेग स्टम्प के बाहर नहीं पिच हो, क्योंकि ये अगर ये रिव्यू होता है और लेग स्टम्प के बाहर बॉल पिच होती है तो वो नॉट आउट दिया जाता है, क्योंकि एज पर द रूल बॉल पिच होनी चाहिए ये रेड लाइन के बीच में। तो ये स्लो बॉल जाती हुई, और ये बैट्समैन खेलते हुए शॉट, लेकिन जो लाइन है लेंथ है उसकी पेस है उसकी वजह से कम्प्लीटली मिस, और ये लगी पैड्स पे जाके, और ये है प्लम LBW, देखिए मिडल लेग पे लग रही है और मिडल लेग को हिट कर रही है, और ये हो गया 7 विकेट डाउन ऑन 33 रन्स। ये बढ़ रहे हैं हम अपने 8वें विकेट की ओर, ये है ओवर द विकेट राइट हैंडेड को, इसमें आपको साइड की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राउंड द विकेट ओवर द विकेट आपको सिर्फ पेस वेरी करनी है। और ये देखिए सेम बॉल मिडल लेग पे इन स्विंग फुल पेस में, और बैट्समैन कम्प्लीटली उसको मिस जज करते हुए, और ये लगी अगेन पैड पे, और एक और रिव्यू इनका बाकी है। तो ये सोच रहे हैं कि 10 विकेट होते होते दोनों रिव्यू यूज़ कर लें हम, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एकदम स्टंप्स के बीच में बॉल लग रही है। एक बार वापस देख लीजिए,
ये जाते हुए हमारे बॉलर फुल पेस इन स्विंगर और ये रेड जो लाइन जा रही है उसके ऊपर बॉल गिरनी चाहिए या फिर उसके ऑफ स्टंप के बाहर। ऑफ स्टंप के बाहर गिरेगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर अगर गिर रही है तो वो जो इंपैक्ट कर रही है मतलब जो बैट्समैन के पैड पे लग रही है वो लाइन में लगनी चाहिए। लेकिन अगर लेग स्टंप के बाहर गिर रही है तो वो कम्प्लीटली नॉट आउट है। ऑफ स्टंप के बाहर गिर रही है, पैड को लग रही है, स्टंप को लग रही है तो भी आउट होता है, लेकिन अगर लेग स्टंप के बाहर गिर रही है तो कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये हो गई हमारी 8वीं विकेट, 8 डाउन फॉर 38। तो ये दोस्तों हमारा 9वां विकेट, फुल स्पीड इसमें इन स्विंगर डालेंगे हम बैट्समैन को और ये है राइट हैंडेड बैट्समैन ओवर द विकेट और ये हमारी पिचिंग अगेन सेम जगह पे लेग एंड मिडल। ये बॉलर जाते हुए, ये बैट्समैन लेग साइड खेलते हुए और ये मिस LBW। एक बार और देखिए स्लो मोशन में। तो जैसे मैंने आपको बताया रूल्स इसके 2-3 हैं, लेग साइड के बाहर पिच नहीं होनी चाहिए और बॉल एकदम परफेक्ट जगह पे आपको डालनी है। थोड़ा और आगे डालें तो ये देखिए, थोड़ा और आगे आप डालने की कोशिश करते हो तो फुल टॉस हो जाती है तो उस पर बैट्समैन स्कोर करता है। लेकिन आपको ये जो सर्कल बनता है वो तीनों स्टेम के ऊपर बनना चाहिए, मतलब उनके बेस पे बनना चाहिए, उसके आगे नहीं पीछे नहीं, नहीं तो बैट्समैन खेल सकता है। तो ये LBW 9वां विकेट डाउन, तो 9 विकेट डाउन पाकिस्तान के 38 रन पे, ये जा रहा है आखिरी विकेट 38 पे ही। और ये पेस हम सेम रखेंगे, इस बार हम आउट स्विंगर रखेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन को और लेकिन लाइन एंड लेंथ वही रहेगी। ये जो यॉर्कर्स हैं इनकी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसमें आपको सिर्फ ये स्टेम के नीचे रखना है, लेग स्टेम के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये जो पेस का बार है ये वेरी होना चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम। और वो जो आपको रिवर्स स्विंग और स्लो बॉल मिलता है अच्छी बॉलिंग करने पे, वो आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। और कैसे यूज़ करना है, जैसे हमने बताया कि अगर रिवर्स स्विंग जा रहा है तो उसको आप कभी एकदम धीमी पेस हो या फिर एकदम फास्ट, और उसको रखना है मिडल और लेग स्टेम पे। और जैसे ही वो बैट्समैन खेलता है, क्योंकि जो रिवर्स स्विंग होती है वो बहुत ही सुपर बॉल होती है जिसमें बैट्समैन को पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ से घुस रही है, लेकिन अगर आप रॉन्ग पिच करोगे लेग स्टेम के बाहर तो वो LBW नहीं होगा। तो यही एक फंडा है यॉर्कर्स का, डालते रहिए, विकेट लेते रहिए। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो पूरा यॉर्कर्स का जो आइडिया है ये सिर्फ लाइन लेंथ पे बेस्ड है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 10 विकेट 38 रन पे और ये है इनके बैट्समैन जो बहुत ही उमदा खेले हैं, 38 for 10, 13 ओवर में मैच खत्म, इनिंग खत्म सॉरी, 18 रन हाईएस्ट है इनके, 12 रन उसके बाद, और उसके बाद कोई खेला ही नहीं, क्योंकि वो यॉर्कर्स जो थे वो बहुत ही इफेक्टिव थे। इसमें आपको फील्डिंग जैसे हमने बताया वो एकदम अच्छी रखनी है लेग साइड में, जैसे हमने बताया फील्डिंग आप फॉलो करोगे तो आपको विकेट्स भी मिलेंगे और रन भी नहीं जाएंगे। जो 38 भी गए हैं यही थोड़ी फील्डिंग की मिसप्लेसिंग की वजह से गए हैं, वरना ये भी नहीं जाते। ये हमारे बुमराह जी 6 विकेट, शमी ने 4 विकेट और शर्मा जी ने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। तो ये थे आज के टिप्स, अगली वीडियो में बताते हैं कुछ और टिप्स। थैंक्स, बाय बाय।